Hello and a huge welcome to English on. I am Bharti. Today we'll solve some grammar worksheets. In one of my previous videos, I told you about the use of is, am and are. Today we'll learn how to make negative statements using is, am and are. आज हम सीखेंगे इज एम और आर के साथ नॉट लगाकर कैसे हम नेगेटिव स्टेटमेंट्स बना सकते हैं प्लीज लुक एट द टेबल ऑन द स्क्रीन इन प्रेजेंट टेंस आई के साथ एम नॉट का यूज होता है जैसे कि आई एम नॉट रिच ही शी इट के साथ इज नॉट का यूज होता है एंड यू वी दे के साथ आर नॉट का यूज होता है यू आर नॉट वी आर नॉट दे आर नॉट कुछ बेसिक लर्नर्स ये मिस्टेक करते हैं वो आई के साथ हमेशा एम नॉट लगा देते हैं पर ऐसा नहीं होता है आई के साथ एम नॉट सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही यूज होता है नाउ लेट्स सॉल्व सम वर्कशीट प्लीज लुक एट द वर्कशीट ऑन द स्क्रीन एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंगली वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज नॉट एम नॉट और आर नॉट आपको इस वर्कशीट में सारे ब्लैंक्स में इज नॉट एम नॉट या फिर आर नॉट फिल इन करना है चलिए देखते हैं ये क्या वर्कशीट है राइट आंसर्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आपको अपने आंसर्स चेक करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख के चेक कर सकते हैं प्लीज सॉल दीज वर्कशीट एंड राइट योर आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन ये वर्कशीट सॉल्व करें अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखें आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द थ्री वर्कशीट ऑल्सो राइट योर स्कोर आउट ऑफ एटीन इन द कॉमेंट सेक्शन पहले तो अपने आंसर्स लिखें वर्कशीट के कमेंट सेक्शन में फिर उसके बाद आउट ऑफ 18 खुद को मार्क्स दें और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखें यूज इज नॉट एम नॉट और आर नॉट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर फर्स्ट सेंटेंस इज आई ए डैश फीलिंग वेल आप सोचिए यहां पर क्या आएगा इज नॉट आईम नॉट आर नॉट एंड फिल इन कीजिए नेक्स्ट सेंटेंस लूसी डैश एट होम थर्ड सेंटेंस दीज डैश लेम्स फोर्थ सेंटेंस आई डैश इटालियन आई एम स्पेनिश फिफ्थ सेंटेंस ही डैश Years old. Next sentence She dash baking a cake. She is baking bread. Let's move on to our next worksheet. Use is not, am not, or are not in the following sentences Your mom dash in the yard. Your purse dash made up of jute. I dash hungry. These dash my keys. These chairs dash new. My sister dash at home. Now let's move on to our next worksheet. यूज इज नॉट एम नॉट और आर नॉट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर फर्स्ट सेंटेंस इज द बेबी डैश प्लेइंग विद कैप ये बेबी है आप इस पिक्चर में देख सकते हैं आप देखिए है, ये कैप से खेल रहा है या फिर नहीं खेल रहा है उसी हिसाब से आपको सेंटेंस बनाना है सेंटेंस में अपना आंसर फिल करना है सेकेंड सेंटेंस आई डैश पार्टिसिपेटिंग इन द रेस थर्ड सेंटेंस दीज गर्ल्स डैश टेनिस प्लेयर्स फोर्थ सेंटेंस दो रिंग्स डैश एक्सपेंसिव फिफ्थ सेंटेंस अ गर्ल डैश जम्पिंग इन द पार्क सिक्स सेंटेंस जेनी डैश अमेरिकन शी इज फ्रेंच आप ये तीनों वर्कशीट सॉल्व करें एंड अपने आंसर्स एंड स्कोर्स कॉमेंट सेक्शन में लिखें थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज सब्सक्राइब टू इंग्लिश ऑन ऑन यू ट्यूब फॉर अ स्पोकन इंग्लिश क्लास एक्सपीरियंस व्यूज तो बहुत सारे आ रहे हैं मेरी वीडियोज पर पर अभी सब्सक्राइबर्स इतने नहीं है अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं एण्ड ये आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मुझे सपोर्ट करें अपने फ्रेंड्स एण्ड फैमिली मेम्बर्स को भी बोलें मुझे सब्सक्राइब करने के लिए एंड सबसे रिक्वेस्ट करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अगर आपको स्पोकन इंग्लिश क्लास एक्सपीरियंस लेना है घर बैठे बैठे तो वो आप इस चैनल से ले सकते हैं थैंक यू सी यू सून